हेलो एवरीवन। सो ज़्यादा दूर की बात नहीं कहता मैं। अभी रिसेंटली मेरा स्टूडेंट एक कमॉक्स वैली गया नॉर्थ आइलैंड कॉलेज में, और एक स्टूडेंट गया नायगरा कॉलेज, नायगरा फॉल्स पे काम कर रहा है वो। सो स्टूडेंट जिस दिन अराइव हुआ, तो स्टूडेंट हैड एन अकोमोडेशन, उसने पहले ही अपनी ईमेल पे अकोमोडेशन कर ली थी। ही वेंट फॉर एन अकोमोडेशन विद अ कनेडियन फैमिली, सो उसने अपनी कनेडियन फैमिली के साथ अकोमोडेशन कर ली थी। और एक स्टूडेंट को $450 पर मंथ की अकोमोडेशन मिली, और दूसरे स्टूडेंट को $350 पर मंथ की अकोमोडेशन मिली। सो अकोमोडेशन मिलने के बाद जो वीकली ग्रोसरीज का एक्सपेंस आता, दैट इज $60 to $80 पर वीक एक सिंगल पर्सन का, अगर इफ़ यू मेक योर फूड एट योर प्लेस। तो अगर हम लगाएं, चलो उसको भी हम $300 पर मंथ लगा लेते हैं, सो दैट कम्स टू $700 अ मंथ। सो $700 इंटू 12, $8,400 आपका रहना खाना बस पास। कॉलेज वाले, काफ़ी कॉलेजेस फ्री देते हैं, ये हो सकता है। अनटिल अनलेस आप गाड़ी ले लें, आप रोज़ बाहर से खाएं, तो $2,000 भी कम पड़ेगा। इफ़ यू आर देयर ऑन अ बजट, तो आपको बजट वाइज ही चलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट वहाँ पहुँचा, स्टूडेंट के पास पहुँचते ही विद इन अ वीक ही हैड 3 jobs, 1 at Pizza Hut, 2nd at Tim Hortons, 3rd at सम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की एक नर्सरी में बच्चे को कहीं जॉब मिली। सो ही चोज फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो टिम हॉर्टन्स उसके घर के पास था, तो उसने टिम हॉर्टन्स में जॉब स्टार्ट कर ली। आई एम टेलिंग यू अ रियल टाइम एग्जांपल। तो वहाँ पे उसको कुछ $16 पर आवर मिल रहे थे। सो फर्स्ट मंथ व्हेन ही वर्क देयर, तो उसको 20 आवर्स के हिसाब से वी कैन कैलकुलेट 13,320 एंड मंथली उसको $1,400 मिले। सो जो उसको मिला, तो $1,400 को हम मल्टीप्लाई करें तो $700 तो उसका खर्चा है, $700 ही सेव्ड। अगर हम एग्जांपल लें, सो 700 इंटू, अगर बच्चा सेव करता है 8 महीने बच्चा पार्ट टाइम काम करेगा, 7 इंटू 8 इज $5,600। और अगर क्या कहते हैं 4 महीने फुल टाइम काम करेगा बच्चा, सो दैट मीन्स ही विल मेक $2,800 इन हिज फुल टाइम जॉब हर स्टूडेंट के लिए। सो $2,800 इंटू 4, दैट इज 11,000 के करीब हो जाता है वो, 11 एंड 7, 8,400। सो ही इज़ मेकिंग लाइक $19,000 to $20,000 की बच्चे की सेविंग है, अगर बच्चा ढंग से प्रॉपरली रहता है। अगर आप स्प्लर्जिंग की बात करें, तो यू कैन स्पेंड $5,000 अ मंथ, इतना महंगा भी हो सकता है, कुछ जगहें ऐसी महंगी हैं। बट वेन यू आर इन अ बजट, 2 साल आपको अपने टाइट निकालने हैं, उसके बाद यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट वो बच्चे को जब जॉब मिली, अब उसका सेकेंड मंथ स्टार्ट है, बट उसको किसी ओल्ड एज होम में जॉब मिल गई $20 पर आवर पे। सो जो बच्चा $1,400 कमा रहा था पार्ट टाइम, अब वो $2,000 कमाने वाला है पार्ट टाइम में। सो ही इज़ गोइंग टू मेक $2,000 अ मंथ, विच इज़ 1,20,000। सो यही एक स्टूडेंट्स यहाँ पे इस टाइम पे कैनेडा में काफ़ी ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है, काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एम्प्लॉई की मार्केट है। सो राइट नाउ एम्प्लॉई इज़ द किंग, मतलब एम्प्लॉयर को अच्छा एम्प्लॉई नहीं मिलता। सो द थिंग दे आर लुकिंग एट, सो क्या देख रहे हैं कनेडियन एम्प्लॉयर आपके अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकेंड ऑफ ऑल ऑनेस्टी, थर्ड ऑफ ऑल डिसिप्लिन। सो ये 3 चीज़ें आपके अंदर देखी जाती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसिप्लिन। सपोज आपकी शिफ्ट 8 बजे शुरू होती है, और सपोज आप रोज़ लेट पहुंचते हो, 8:30 पहुंचते हो, वो कोई भी एम्प्लॉयर लाइक नहीं करेगा। यू हैव टू रीच ऑन टाइम, मे बी 10 मिनट पहले। ऑनेस्टी मतलब आपको जो काम दिया गया है वो आप ऑनेस्टी से कर रहे हो। सो आई थिंक द कनेडियन एम्प्लॉयर्स आर लुकिंग फॉर दीज 3 थिंग्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी एंड स्पीकिंग स्किल्स। अगर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हो, तो यू कैन गेट एनी जॉब। अगर आप ये 3 चीज़ों में अच्छा करते हो, तो पीपल स्टूडेंट्स को अपना GIC छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एटलीस्ट आप जोड़ रहे हो पैसे, ऊपर से जुड़ जाएंगे, और अगले साल की फ़ीस आप अपने काम करके या GIC से कुछ पैसे यूज़ करके आप दे सकते हो। बिल्कुल मिल रहा है। सो अभी से ही जो बच्चे पहुंच रहे हैं, अगर मैं आपसे शेयर करूं, उन्हीं को 3-3 jobs मिल रही हैं। सो जब उनका पार्ट फुल टाइम जॉब जब के लिए ओपन होता है, तो उसी टाइम उनको काम मिल जाता है, और जहां पे वो अच्छा काम करेंगे, वही एम्प्लॉयर उन्हें फुल टाइम काम दे देगा। सो फर्स्ट ईयर में GIC मेरे को लगता नहीं है कोई भी बच्चा छेड़ता है। इनिशियली शायद आपने फ़ोन लेना है, आपने लैपटॉप लेना है, अगर आप घर से नहीं लेके जाते। सो ट्रेंड क्या है सुरेंद्र जी, आपको पता ही है, घर से बच्चा लैपटॉप भी लेके जाता है, घर से 50,000-60,000 ₹1,00,000 पेरेंट्स से लेके जाता है जेब में, यहाँ से हम पैसे लेके जाते हैं। सो कुछ बच्चे तो जाते ही वहाँ पर गाड़ी निकलवा लेते हैं कि हमको गाड़ी चाहिए जी,
कि सबसे बड़ी मिस्टेक रहेगी स्टूडेंट्स, एटलीस्ट यू शुड स्टे देयर फॉर 6 मंथ्स, देखो कि 6 महीने कैसे जा रहा है, एंड डू नॉट बाय अ न्यू कार. आई विल नॉट एडवाइज यू टू बाय अ न्यू कार. टेक अ सेकेंड हैंड कार फर्स्ट एंड देन जंप ऑन टू अ न्यू कार व्हेन यू नो द रूल्स. यू नो कि मैं खर्चा करने की पोजीशन में हूँ. बहुत बच्चे स्ट्रगल करते हैं जो नई गाड़ी ले लेते हैं, बिकॉज उनकी 700-800 डॉलर्स पर मंथ कार का खर्चा है. $250 कार की इंश्योरेंस होगी, $300-400 इंश्योरेंस होगी, $250 $300 उसकी किस्त होगी महीने की, फिर उसके बाद उसके अंदर गैस भी डलेगी. सो $1,000 में तो गाड़ी पड़ेगी. सो व्हाट यू विल सेव. सो स्टूडेंट्स डू नॉट डू दिस मिस्टेक अनटिलनेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं. अगर आपके GIC से तो कभी भी आप गाड़ी ना खरीदें. सो गाड़ी मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा स्टूडेंट्स को इनिशियली निकलवाने के लिए. आई विल सी टेल देम कि 6 मंथ्स आप बस यूज़ करें. बस सर्विस इज़ ग्रेट. आप सिटी में हैं तो यू कैन यूज़ योर बस सर्विस. टेक हेल्प फ्रॉम सीनियर्स योर फ्रेंड्स, बट डू नॉट बाय अ कार इमीडिएटली अनटिल अनलेस यू नीड इट. अनटिल अनलेस आपको इतनी अच्छी जॉब मिल गई है आप कार अफोर्ड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.